हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग बेसिक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर और प्रोग्राम कहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे पाइथन में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन आज का रहेगा हाउ टू राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन, पाइथन में प्रोग्राम को कैसे लिखें। इससे पहले पाइथन में जो भी टॉपिक इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में है उसको हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोग पाइथन को डिफाइन कर लिए हैं, पाइथन का एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, पाइथन का फीचर्स क्या है, पाइथन का हिस्ट्री क्या है, पाइथन को हम लोग इंस्टॉल और डाउनलोड कैसे करते हैं, पाइथन में पाथ का सेटअप कैसे करते हैं, इन सभी टॉपिक को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग को अगर प्रोग्राम लिखना है पाइथन में तो कहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे और कैसे एग्जीक्यूट करके उसका हम लोग आउटपुट को देख पाएंगे। तो आपको पाइथन का प्रोग्राम लिखने के लिए जो पाइथन हम लोग इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में उसका आईडी होता है, आईडी पे हम लोग डायरेक्टली जो है ना उसको लिख करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे नोट पैड है, नोट पैड प्लस प्लस है, एटम है, सबलिंक टेस्ट है, जितने भी टेक्स्ट एडिटर है वहां पर भी आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। जबकि आपका पाइथन का जो आईडी है वहां पे जो है ना आप डायरेक्टली लिख करके और वहां पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट वहीं पे कर लेंगे। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है कि आप जब पाइथन के आईडी पे डायरेक्टली प्रोग्राम को लिखेंगे तो वहां सेव करने का यानी कि फोल्डर बनाने का, फाइल में सेव करने का हम लोग को ऑप्शन नहीं मिलता है, वो सेव नहीं हो पाता है प्रोग्राम। डायरेक्टली आप लिखते हैं और एग्जीक्यूट करके आउटपुट देखते हैं। अगर हमें फाइल को सेव करना है तो उसके लिए हम लोग को अलग से आईडी को इंस्टॉल करना पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट का आईडी हम लोग पाइथन में यूज करते हैं, जो सबसे बेस्ट आईडी है इसका वो है पाईचार, तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में इंस्टॉल करेंगे और उस पर प्रोग्राम करके देखेंगे। आज हम लोग का प्रॉब्लम है कि पाइथन का प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखे, तो आज जो हम लोग पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे पाइथन के आईडी पे हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे दो टर्म बोल रहे हैं, आईडी और एक होता है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर वह एक स्मॉल सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर आप प्रोग्राम को लिखते हैं और एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किसी अदर आईडी पे जाना होता है, और आईडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर आप प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं साथ ही साथ वहाँ पे आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले पाइथन के आईडी पे चलते हैं और वहाँ पे प्रोग्राम को लिख करके और एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरह हम लोग प्रोग्राम को पाइथन में लिख सकते हैं। तो आ गया कंप्यूटर स्क्रीन पे, अगर आप पाइथन इंस्टॉल कर लिए हैं कंप्यूटर में तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे सर्च बार में IDLE, तो IDLE यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इंस्टॉल करके रखे हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये पाइथन का अपना आईडी है जहां पर आप पाइथन के प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम छोटा सा लिख रहे हैं प्रिंट, यह एक फंक्शन है, उसके अंदर में जो कुछ भी लिखेंगे ये आपको प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पे ये छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हमको डिस्प्ले करना है वेलकम टू CTH एजुकेशन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलकम टू CTH एजुकेशन। वेलकम टू CTH एजुकेशन एक हमारा प्रोग्राम हो गया है, अब इसको एग्जीक्यूट करना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे वेलकम टू CTH एजुकेशन, आपको आउटपुट मिल गया है। एक और प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे करते हैं प्रिंट, प्रिंट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 10 और 20 को ऐड करते हैं, 10 प्लस 20 को हम लोग ऐड करते हैं और इसको जो है ना इंटर करते हैं, तो 10 प्लस 20 यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग इसको कंसिडर किया है, जो आईडी है इसको जो है ना स्ट्रिंग कंसिडर किया है। जब भी हम लोग डबल कोस्ट में या सिंगल कोस्ट में किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे तो एज इट इज जो है ना हम लोग को डिस्प्ले कर देगा। एक बार यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट प्रिंट, और यहाँ पे डबल कोटेशन यूज किया है, यहाँ पे सिंगल कोटेशन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं हम 10 प्लस 20। देखिए ये भी एज इट इज जो है ना आपको रिप्रेजेंट कर देगा 10 प्लस 20, क्योंकि वो कंप्लीट एक स्ट्रिंग मांग रहा है। लेकिन जब इसके वैल्यू को हम लोग को कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए हम लोग को जो है ना यहाँ पे स्ट्रिंग ना कंसिडर कर रहे, उसके लिए हम लोग सिंपल लिखेंगे 10 प्लस 20। यहाँ पे ये कोई भी कोटेशन ना सिंगल और ना डबल कोई कोटेशन को यूज नहीं किए हैं, और अब इंटर करेंगे तो हमारा वैल्यू 10 प्लस 20 को ऐड करके 30 आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 30 आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है ना हमारा सिंटेक्स बनता है पाइथन में, और इस तरह हम लोग प्रोग्राम को कितना आसान है, प्रोग्राम को सिंगल लाइन में आप लिखिए और उसको डिस्प्ले कीजिए, आपको आउटपुट
मिल जाएगा, जबकि दो नंबर को ऐड करने के लिए सी लैंग्वेज में जाए, सी प्लस में जाए, तो वहाँ पे नंबर ऑफ कोड्स ज्यादा, यानी कि इंस्ट्रक्शन वहाँ पे पढ़ जाते हैं, जबकि पाइथन में वही इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, कॉम्प्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि इसको जो हम लोग लिख करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये सेव नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ आप लिखेंगे और उसके आउटपुट को देख सकते हैं। अगर हमें सेव करना है या हम चाहते हैं कि एक अच्छा हमको आईडी मिल जाए जहाँ पर जो है ना हम उसको लिखे भी और सही प्रोग्राम को हम सेव करके भी रखें और उसके फाइल एक फोल्डर बना करके रखें, तो उसके लिए हम लोग एक अलग एडिटर का यूज करेंगे, आईडी का यूज करेंगे जिसका नाम है पाईचार्म। पाईचार्म में फायदा यह है कि जब हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं और उसमें प्रोग्राम करेंगे तो उसका एक अलग फोल्डर बना लेंगे और जहां पर लिखेंगे वहीं पे हमको डिबग करने का यानी कि एरर चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा और वहीं पे हम लोग एग्जीक्यूट भी कर लेंगे, उसके फाइल को सेव करके भी रख लेंगे। साथ ही साथ जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं उसमें वो सजेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि हर वर्ड को लिखते हैं तो वहाँ पे सजेस्ट करते रहता है कि आप गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट लेटर किसी चीज का लिखेंगे तो पूरा जो है ना एक स्ट्रिंग बन करके आ जाएगा और वहां से आप इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ले लेगा। तो वहाँ पे जो है ना सजेशन हमको मिलता रहता है जिससे कि प्रोग्राम लिखने में आसानी होता है। तो हम लोग पाईचार्म जो है ना नेक्स्ट सेशन में जो है ना इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पे प्रोग्राम हमको लिख करके देखेंगे।